इश्क में हम तुम्हें क्या बताए, किस कदर चोट खाए हुए हैं मौत ने। हाय गाइज, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक जैक एडिटिंग। तो आगे नए स्टेटस वीडियो के साथ आज हम नए मार्ट स्टेटस वीडियो क्रिएट करने वाले हैं, तो बने रहिएगा इस वीडियो को लास्ट तक। तो सबसे पहले आपको एक ऐप की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है अलर्ट मोशन ऐप। तो मैंने अलर्ट मोशन ऐप को ओपन कर लिया और यहाँ से आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको रेजोल्यूशन सेलेक्ट करना 1080x2340 और फ्रेम रेट 30fps करके बैकग्राउंड को ब्लैक करके क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद हम सबसे पहले यहाँ से प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे और इमेज वीडियो पर क्लिक करेंगे। इमेज वीडियो पर क्लिक करने के बाद हम सबसे पहले जो हमारा बैकग्राउंड फोटो है उसको ऐड करेंगे। उसको ऐड करने के लिए यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर आपको थ्री लाइन पर क्लिक करके इसको फिल स्क्रीन कर देना है। तो ये फिल स्क्रीन हो गया है। फिल स्क्रीन होने के बाद में यहाँ से आपको जो जितना चाहो उतना आप बना सकते हो। तो अभी मैं 10 सेकेंड कर लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से मैं स्क्रॉल करता हूँ यहाँ से। तो ये 10 सेकेंड मैंने ऐड कर लिया है। इतना करने के बाद में फिर आपको यहाँ से प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से टेक्स्ट पर क्लिक करना है। टेक्स्ट में आप जो भी जिसका नाम फर्स्ट लेटर का हो उसको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ R और यहाँ से रोबोटो रेगुलर पे क्लिक करना है और यहाँ पर एनी डोर ये फॉन्ट सेलेक्ट करना है। इस फॉन्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से फिर इसके बाद में फिर जो भी आप इस कलर पर चेंज क्लिक करोगे और यहाँ से रेड कलर को मैं भी चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ से राइट क्लिक कर देंगे। राइट क्लिक करने के बाद इसको इसकी साइज को हम इंक्रीज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से मैंने साइज को इंक्रीज कर लिया। साइज को इंक्रीज करने के बाद भी यहाँ पर आपको इसके ऊपर जो स्ट्रोक रखना है तो यहाँ पर इसे बोर्डरिंग स्ट्रोक पर क्लिक करेंगे और स्ट्रोक को इनेबल करके यहाँ से आप जितना चाहो उतना स्क्रॉल करके स्ट्रोक को रख सकते हो। स्ट्रोक आप यहाँ से स्ट्रोक का कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि वाइट है, रेड है। तो अभी मैं ब्लैक की कलर ऐड करूँगा। उसके बाद में इसकी ड्यूरेशन को पहले हम लास्ट तक करेंगे। ड्यूरेशन को लास्ट तक करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करके और इसको लास्ट तक कर लेंगे। इसके बाद में फिर यहाँ से प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो दूसरा नाम किसी का भी उसका फर्स्ट नाम लिख देते हैं यहाँ पर फर्स्ट लेटर। उसके बाद में रोबोट रेगुलर पर क्लिक करेंगे, एनी डोर फॉन्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर कलर को चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर भी रेड कलर दें और राइट क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से रेड कलर चूज करने के बाद में इसकी साइज को हमें इंक्रीज करना है। तो यहाँ पर इसकी साइज को हम बढ़ा लेते हैं पहले। तो यहाँ तक इतना होने के बाद में बॉर्डर एंड शैडो पे क्लिक करेंगे स्ट्रोक को इनेबल करके, तो ब्लैक से स्ट्रोक ऐड हो जाएगा। उसके बाद इसकी ड्यूरेशन को भी लास्ट तक कर लेते हैं। तो ये इतना हो गया है। इसके बाद में मैंने थोड़ी सी साइज़ को इंक्रीज कर लेता हूँ इसकी। तो यहाँ पर मूव एंड ट्रांसफॉर्म क्लिक करके साइज़ को इंक्रीज कर लिया। उसके बाद में फर्स्ट जो नाम ऐड किया था उस पर क्लिक करेंगे, आर वाले नाम पर, और यहाँ पर इफेक्ट पर क्लिक करेंगे। एड इफेक्ट पर क्लिक करके यहाँ पर ये ड्रॉइंग प्रोसेस पर क्लिक करेंगे और इसके एंड में आएंगे और एंड में प्लस वाला आइकन देख करके जीरो कर लेंगे यहाँ पर। और जीरो करने के बाद फिर आपको लास्ट में चले जाना। लास्ट में फिर यहाँ पर प्लस वाला आइकन दे करके फिर आपको लेफ्ट साइड स्क्रॉल करना है इसको। तो ये इसको आपको 100 कर देना है। तो ये एडजस्ट हो जाएगा। तो ये एडजस्ट हो गया। उसके बाद हम एस पर इफेक्ट डालेंगे। तो यहाँ पर एस पर क्लिक करेंगे, इफेक्ट पर क्लिक करेंगे, एड इफेक्ट पर क्लिक करेंगे और ड्राइविंग प्रोग्रेस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एंड पर क्लिक करके प्लस वाला आइकन देकर के इसको भी राइट में स्क्रॉल करेंगे और जीरो जीरो कर देंगे। जीरो करने के बाद फिर आपको लास्ट में चले जाना और इसको लेफ्ट में स्क्रॉल करना है और उसके बाद 100 कर देना है। तो यहाँ तक इतना हो गया है। उसके बाद में फिर यहाँ पर जो हमने एक टेम्पलेट ऐड किया था तो उस टेम्पलेट को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे और इमेज वीडियो पर क्लिक करेंगे। तो ये वो टेम्पलेट वीडियो को ऐड करने के लिए यहाँ से प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे और इसको थ्री लाइन पर क्लिक करके फिल स्क्रीन कर देंगे। तो यहाँ तक ये फिल स्क्रीन हो गया। उसके बाद में ब्लेंडिंग एंड ओपासिटी पर क्लिक करके इसको स्क्रीन कर देंगे। तो यहाँ तक ये एडजस्ट हो गया। उसके बाद में फिर इसके ऑडियो को आपको म्यूट करना है।
तो यहाँ से इसके ऑडियो को म्यूट कर लें, उसके बाद लास्ट में यहाँ से जो ज़्यादा पार्ट है उसको हम ट्रिम कर लेंगे। तो इस पर क्लिक करके इतना ट्रिम हो गया। इसके बाद फिर आपको इसके ऊपर जो हमने वीडियो ऐड किया था इफेक्ट वीडियो, तो उसको ऐड करने के प्लस प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे, इमेज वीडियो पर क्लिक करके उसको ऐड कर लें। तो ये वो इफेक्ट वीडियो, इस इफेक्ट वीडियो को ऐड करने के लिए यहाँ से प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है और इसको आपको पहले मूव एंड ट्रांसफर पर क्लिक करना है और इसकी साइज़ को हमें इंक्रीज करना है। तो यहाँ से इंक्रीज कर लेते हैं इतना, और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर इसको स्वाइप करके नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर ऐड कर लेंगे। इतना करने के बाद फिर इस इफेक्ट वीडियो पर क्लिक करना है, ब्लेंडिंग एंड ओपासिटी पर क्लिक करेंगे, लाइट एंड में जाएंगे और यहाँ से स्क्रीन कर देंगे। ऑल मटेरियल पासवर्ड 4963। इसके बाद जो इसका ज़्यादा पार्ट है उसको हम ट्रिम कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये इतना ऐड हो गया है। इसके बाद फिर आपको जो इसका जो डायरेक्ट वीडियो है उसको ऐड करने के लिए यहाँ से प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे, इमेज वीडियो पर क्लिक करके व्यू ऑल पर क्लिक करके उसको ऐड कर लेता हूँ मैं। तो ये वो वीडियो, इस वीडियो को प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से नीचे स्क्रॉल करके ले आएंगे और यहाँ पर ब्लेंडिंग एंड ओपासिटी पर क्लिक करेंगे, लाइट एंड पर क्लिक करके इसको स्क्रीन कर देंगे। स्क्रीन करने के बाद जो हमारे वीडियो का बैकग्राउंड है उसको कलर चेंज करने वाले, चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले जो बैकग्राउंड ऐड किया है उस बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। तो यहाँ से मैं उस बैकग्राउंड पर क्लिक कर लेता हूँ। बैकग्राउंड पर क्लिक करने के बाद इफेक्ट पर क्लिक करना और ऐड इफेक्ट पर क्लिक कर देना। ऐड इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको यूवी शिफ्ट पर क्लिक करना है। यूवी शिफ्ट पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है और लास्ट में चले जाना और फिर प्लस वाला आइकन देकर के इसको लेफ्ट में स्क्रॉल करना है। तो यहाँ से ये मैं 4x कर लेना हूँ, आपको 4x के बराबर कर देना है। तो ये 4x हो गया, तो हमारा वीडियो बनके रेडी हो चुका है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो मेरा काइन मास्टर थोड़ा स्लो है इसलिए इग्नोर करें। तो यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करने के लिए एरो पर क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट पर क्लिक करके गैलरी में सेव करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अभी तक भाई ने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल।